भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पहले तो राकेश टिकैत फुटेरा गुरुद्वारे पहुंचे, वहां माथा टेका और लोगों के साथ लंगर में भी बैठे। तो वहीं उसके बाद फिर राकेश टिकैत ने अपनी आगे आने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। राकेश टिकैत ने इस दौरान कई मुद्दों पर बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि जो बच्चे तिकुनिया कांड के चलते जेल गए थे, राकेश टिकैत उनके घर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से उनकी उन लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो बच्चे जेल में थे, उनके घरों पर जाएंगे हम, क्योंकि जब से बाहर आए तो हम मिले नहीं उनसे। एक बार उनके घर से जाके और उनसे सब लोगों से मिले। इस दौरान राकेश टिकैत ने पहलवानों के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में इस वक्त तानाशाही चल रही है। देखो, उसमें दुखद घटना हुई, उन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हीं के ऊपर और एलिगेशन लगा रहे। 40 दिन हो गए, पास्को जैसी धाराओं में गिरफ्तारी ना होना, ये तो कानून भी कहता है कि रिपोर्ट दर्ज होगी पहले गिरफ्तारी करो और उसके बाद जांच करो, वो नहीं हो रही, तो यही तो देश में अत्याचार हो रहा है, तानाशाही देश में चल रही है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि यहाँ पर कई मुद्दे हैं जिनके बारे में बात की जाएगी। फसल की खरीद, फैक्ट्री, गन्ना भुगतान, बिजली की समस्याओं को लेकर लोगों से बात करेंगे। सरकार ने बिजली मुफ्त की बात कही थी, मगर अभी तो मीटर लगा रहे हैं। मामला भी रहेगा, गन्ना भुगतान भी रहेगा, सब लोगों से बातचीत करेंगे। आपके यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, गन्ना भुगतान की भी बड़ी समस्या है, तो ये सारी दिक्कतें हैं, बिजली की हैं, तो आए तो उस संबंध में भी बातचीत यहाँ के लोगों से करेंगे कि सरकार ने बिजली फ्री देने की बात करी थी, फ्री बिजली है नहीं, मीटर लगाने लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। खरीद की भी समस्या रहती है, वो चाहे धान हो, गेहूँ हो, गेहूँ का थोड़ा सा के ठीक सा रहा, लेकिन धानों की समस्या आती है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत प्रदेश के कई हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस बात का इशारा उन्होंने इसी बात से कहकर दिया कि वो अयोध्या भी जाएंगे। नहीं, आज नहीं रुकेंगे, आज चले जाएंगे, कल हम अयोध्या जाएंगे, फैजाबाद में, वहाँ से आज यहाँ से सब लोगों से मिल के, उन परिवारों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे सबसे, और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ के लोग जो कमेटी है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राकेश टिकैत की आम लोगों से मुलाकातें कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकती हैं या फिर बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आखिर क्या होता है।